स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 यू आर वाचिंग अशांत ऑन चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम। सो इन द प्रीवियस क्लास आई हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑन द हार्ट एंड इट्स स्ट्रक्चर। पिछले बार मैंने हार्ट और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, है ना। तो आज हम बात करेंगे ब्लड के बारे में और ब्लड के अंदर में कौन कौन से सेल्स होते हैं उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्लड। ये ब्लड है क्या? मैं तो बोलूँगा ब्लड एक फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड। अब फ्लूइड है क्या? मैं बोलूँगा फ्लूइड जो है वो एक लिक्विड की तरह होता है, जैसे पानी बहता है वैसे ब्लड भी बहती है, ओके। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, ब्लड इज ए फ्लूइड कहा गया है। फिर आगे ये जो ब्लड है ना, ये किसके अंदर में फ्लो करती है? पूरे हमारे शरीर के अंदर में फ्लो करती है। मगर हमारे शरीर के अंदर में एक पाइप होता है, ट्यूबुलर पाइप, जिसके अंदर में, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। इसी ब्लड वेसल्स के अंदर में ही ब्लड फ्लो करता है, क्लियर। तो मैं ऐसे बोलूँगा आपकी ब्लड इज ए फ्लूइड डैट फ्लो इन ए ब्लड वेसल, डैट फ्लो इन अवर बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स, ओके। तो अभी हम बात करेंगे इसके काम क्या हैं, व्हाट आर द वेरियस फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के बहुत ज़्यादा काम हैं। नंबर वन, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये ऑक्सीजन कहाँ पहुँचा? हमारे लंग्स में पहुँचा। लंग्स से क्या होता है, ये पूरा बॉडी में जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लंग्स से जो ऑक्सीजन पहुँचा उसको किसने ऑब्जर्व किया? ब्लड ने। तो इसका मतलब ये हुआ ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब देखो लंग से क्या दिया, ऑक्सीजन, उसको कहाँ पहुँचा है, पूरे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में। तो फिर ब्लड ने कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, उसको कहाँ लेके आता है, लंग्स में लेके आता है, ओके। तो दिस मीन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी टू लंग्स, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हम बोलेंगे कि ब्लड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, एंजाइम, जो हम लोग हार्मोन की आपको क्लास 9-10 में समझोगे, तो ब्लड जो है वो हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है पूरा डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में, तो टारगेट ऑर्गन के पास वो पहुंच जाता है। हम लोग का शरीर, हम लोग बच्चे हो, हम लोग फिर धीरे धीरे फिर बड़े हो जाते हैं, शरीर बिल्ड होती है, दाढ़ी आने लग जाती है ना। तो ये जो सारे जो हो रहे हैं ये किसके चलते होते हैं, हार्मोन्स के चलते। तो ब्लड जो है वो हार्मोन्स को भी क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्लियर हो गया। इसके अलावा हम बोलेंगे कि ब्लड ऑल्सो कंट्रोल्स अवर बॉडी टेम्परेचर। ब्लड जो है ना वो हमारे बॉडी को क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अब देखो अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा फिर तो रोज बीमार पड़ जाएंगे, है ना। तो हमारे जो बॉडी टेम्परेचर वो कितने हैं, 37 डिग्री सेल्सियस है या 98.7 डिग्री फारेनहाइट है। तो जब डॉक्टर, जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि 100 डिग्री बुखार हो गया, तो हमारा 98.7 है, जब 100 हो जाए तो उसका मतलब बॉडी टेम्परेचर क्या हुआ, चेंज हो गया, तो मतलब हम लोग बीमार पड़ गए। तो इसको भी कौन कंट्रोल करता है, ये भी हमारे ब्लड ही कंट्रोल करते हैं, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये जो ब्लड है, हमने जो भी खाना खाया तो वो खाना कहाँ पचा, पेट में, पेट से कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वहाँ पर जो डाइजेस्टेड फूड है, जो यूजफुल जो न्यूट्रिएंट्स है ना, दैट इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाई ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, वो भी ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर पूरे शरीर में चली जाती है। अब सवाल ये पड़े तो क्यों जाती है, क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं उसी से तो वो एनर्जी मिलती है, लेकिन वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो पूरे शरीर में जाकर वहाँ पहुँचने के बाद फिर वहाँ पर वो एनर्जी बनती है। इस तरह से हमें खाना खाने से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो ये भी समझ में आ गया, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे जो ब्लड है वो इट ऑल्सो हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, किसी में बात करें क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये भी आप क्लास 10 में समझोगे। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का मतलब क्या है, जैसे हम लोग खेलते खेलते चोट लग जाती है, खून बहने लग जाता है, तो खून का बहना अपने आप बंद हो जाता है,
ये बंद किसके चलते होता, प्लेटलेट के चलते। तो ये आप लोग हायर क्लास में समझोगे, तो बस आपका इतना याद रखोगे कि ब्लड ऑल्सो हेल्प इन द कंट्रोलिंग ऑफ क्या, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्या बोलेंगे, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे टाइप ऑफ ब्लड वेसल। जो ब्लड ब्लड के बारे में आपको समझ में आ गया, तो ब्लड वेसल है क्या। आपने देखा कि नाली का जो नाली है, नाली के अंदर जो पानी बहती है ना, पानी चलती है, उसी के अंदर बहुत सारी गंदगी होती है। तो अब इसके अंदर में बहुत सारे क्या होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं। तो अगर मैं ऐसे ही मतलब ब्लड के अंदर में, नॉट नाली के अंदर में, ठीक है, तो ब्लड के अंदर में क्या होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं। तो कौन कौन से सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। एक चीज दिमाग में रखना है, हमारा जो आरबीसी है उसका रंग क्या है, रेड कलर है। क्या आपको पता है कि आपका खून लाल क्यों है, क्योंकि हमारे खून के अंदर में क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से खून क्या होता है, लाल होता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यही जो आरबीसी है यही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन को कहाँ से ट्रांसपोर्ट किया, फ्रॉम लंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी टू लंग। क्लियर हो गया। फिर आ जाओ डब्ल्यूबीसी। ये डब्ल्यूबीसी क्या, तो डब्ल्यूबीसी का कोई कलर नहीं होते, ये कलरलेस है। और ये जो डब्ल्यूबीसी है इस, ये इसको मैं बोलूँगा सोल्जर ऑफ द बॉडी। डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं। क्यों मालूम है, क्योंकि जब कोई भी कीटाणु अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, एंट्री हो जाती है, तो वो कीटाणु के साथ लड़ता है। तो कीटाणु के साथ जब लड़ता है तो मतलब वो हमें बीमारियों से वो बचा रहा है। क्लियर हो गया। इसलिए हमें हम डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेटलेट के बारे में। ये जो प्लेटलेट है ना, ये प्लेटलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगी ना, तो एक बार चोट लग जाएगी तो खून बहते रहेगा, फिर तो इंसान मर जाएंगे। तो प्लेटलेट का मेन काम क्या हो गया, प्लेटलेट का मेन काम हो गया, इट हेल्प इन द आई मीन कंट्रोलिंग, रेगुलेट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रेगुलेट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये ब्लड क्लॉटिंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो मतलब अगर खून बहेगा तो अपने आप वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगी। तो ज़्यादा खून बहता है नहीं, अगर ज़्यादा खून बहने लग जाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, देन देयर विल बी ह्यूज लॉस ऑफ ब्लड टेक प्लेस। नो, तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, ब्लड लॉस होने से इंसान तो मर सकता है। तो इसलिए जो प्लेटलेट है वो ज़्यादा ब्लड को लॉस होने नहीं देता है। क्लियर हो गया। तो आज हम इतना ही करेंगे, तो नेक्स्ट हम अगली बार हम बात करेंगे किसके ऊपर में, अगली हम बात करेंगे ब्लड वेसल के ऊपर में। ठीक है, तब तक हमें जाने की इजाज़त दीजिए। बाय बाय।